के 9th क्लास आपने पहले डिल्यूट और कंसंट्रेटेड के मुतलिक पढ़ा था, अब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के मुतलिक पढ़ेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि इसकी एग्जांपल में किस तरीके से सॉल्यूशन और सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिक्स होकर तो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, द कंपोजिशन एंड द प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द होमोजेनियस सॉल्यूशन। The component that is present in larger quantity is generally called solvent and in minor quantity is called solute. याद रखना, जो ज्यादा अमाउंट में होंगे वो सॉल्वेंट होगा और जो कम अमाउंट में हम लेंगे वो सॉल्यूट होगा। A binary solution contains only two components. अब हम दो ही कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। Solvent determines physical state in which the solution exists. Based on the physical state, solutions are three types. Solution की तीन types हैं। Solid solutions, liquid solution, gas solution, gaseous solution. Types of solutions and examples are listed in the following table. Types of solutions and examples. Type of solution. सॉलिड सॉल्यूशंस, सॉल्यूट। पहले हम एग्जांपल पढ़ने लगे हैं सॉलिड की। सॉल्वेंट, सॉलिड। कॉमन एग्जांपल अलॉयज और हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो भी सॉलिड फॉर्म में है और जो सॉल्यूट है वो भी सॉलिड फॉर्म में है, तो ये आपको एग्जांपल यहाँ पर बता दी गई है। अलॉय, अलॉय वो होता है जिसमें हम दो सॉलिड केमिकल को मिक्स करते हैं तो हमारे पास ये बनता है, इसलिए यहाँ पर एग्जांपल अलॉय की दे दी गई है। सॉल्यूट, लिक्विड, सॉल्वेंट, सॉलिड। कॉमन एग्जांपल अमलगम ऑफ मर्क्यूरी Hg विद सोडियम। अब यहाँ पर ये बताया हुआ है सॉल्वेंट जो है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में है जो कि लार्ज अमाउंट में सॉलिड है, और सॉल्यूट जो है वो कम अमाउंट में और वो लिक्विड है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर बता दी गई है अमलगम ऑफ मर्करी विद सोडियम। अब आपको यहाँ बता देंगे ये सोडियम है जो कि मर्करी हमने डाल दिया सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। मर्करी सॉलिड फॉर्म में है जिसके अंदर हमने सोडियम डाला है लिक्विड फॉर्म में। सॉल्वेंट, solid. Common example, solution of hydrogen in palladium, PD. हाइड्रोजन है जिसके अंदर प्लेडियम है, हाइड्रोजन के अंदर गैस फॉर्म में है और प्लेडियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। The number of moles of H2SO4 present in 10 ml sodium 2SO4 is equal to 98. Type of solution, liquid solution, solute, solid, solvent, liquid. अब हम liquid का पढ़ने लगे हैं। Common example. जिसमें solvent जो ज़्यादा amount में ले रहे हैं वो liquid ले रहे हैं, और solute जो है वो कम amount में ले रहे हैं जिसमें आ जाता है solid. Sucrose. Example है sucrose, dissolve in water. यानी हमारे पास लार्ज अमाउंट में वाटर है। अब हम वाटर की एग्जांपल दे रहे हैं, मैं आपको यही कह रही हूँ कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपको ये कन्फ्यूजन होगी, बार बार मैं कह रही हूँ सॉल्वेंट वो होगा जब ज़्यादा अमाउंट में लेना है। पहले हमने जो एग्जांपल पढ़ी है सॉलिड की, उसमें हमने एज अ सॉल्वेंट सॉलिड लिया जो लार्ज अमाउंट में लिया था, और सॉल्यूट हमने गैस पहले लिया फिर लिक्विड लिया और सॉलिड लिया। अब हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो सॉल्वेंट की जो ले रहे हैं वो लिक्विड की ले रहे हैं, जिसमें लिक्विड जो होगा वो लार्ज अमाउंट में होगा, और सॉल्यूट हम गैस भी लेंगे, सॉलिड भी लेंगे, लिक्विड भी लेंगे। अब हमने जो ये लिया है, इसमें हमने लार्ज अमाउंट में लिक्विड लिया है जिसके अंदर हमने सुक्रोज को ऐड किया जो कि एज अ सॉलिड फॉर्म में है सॉल्यूट, और ये सॉल्यूशन बन गया। लिक्विड, सॉल्वेंट, लिक्विड, दोनों लिक्विड है। कॉमन एग्जांपल इथेनॉल, एथेनॉल डिसॉल्वड इन वाटर, ये भी लिक्विड फॉर्म है और वाटर भी लिक्विड फॉर्म है, जब दोनों को मिक्स किया तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। गैस, सॉल्वेंट, लिक्विड। कॉमन एग्जांपल CO2 डिसॉल्वड इन
वाटर के अंदर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस की फॉर्म में डिसॉल्व करवाएंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड और इस साइड पे वाटर है, ठीक है क्लास, समझ आ गई है? उम्मीद है आपको समझ आ गई होगा, अगर नहीं भी समझ आई तो ज़रूर मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।